गुजरात भाजपा वरिष्ठ नेता गोधन झड़फिया की हत्या प्लान पर्दाफाश थो एटीएसए हत्या कावतरू निष्फल बनाव अमदावाद रिलीफ रोड पर मोड़ी रात्र फायरिंग की घटना बाद खुलासो एटीएस की टीम पर मुंबई एक शार्प शूटरे करू फायरिंग अमदावाद में रिलीफ रोड की विनस ऑर्डर में एटीएस की टीम दरोड़ा पाड़ी मुंबई शार्प शूटर ने करी धरपकड़ समग्र ऑपरेशन में डीआईजी और बेईसीपी जोड़ाया था बीजा शार्प शूटर ने झड़पी लेवा तपास चालू एटीएसए झड़पेलो शार्प शूटर मोहम्मद इरफान इलियास मूल मुंबई चेम्बूर पत्नी प्राथमिक तपास में छूटा शकीले बे शार्प शूटर मोकलिया खुलासो जेमा इरफान मुंबई थी बस में अमदावाद आयो सलमान नाम शख्स इरफान ने मळवा आवे ते पहला ज एटीएसए झड़पी लीधो इरफाने मंगलवार कमलम वीडियो बनाने नेधरलैंड नंबर पर मोकलो तो नेधरलैंड नंबर वर्चुअल नंबर हो खुलासो एटीएस ने आरोपी मोबाइल में टार्गेट नेम तरीके गोर्धन झड़फिया फोटो मिलो शार्प शूटर इरफान शेखे कमलम में करी थी रेकी समग्र प्लान पर्दाफाश थे बाद झड़फिया ने सुरक्षा वधारवा आदेश अपाया 2002 ना गोधराकांड वक्त गोर्धन झड़फिया गृह प्रधान था अगाउ पण रेकी थी झड़फिया दावो गृहराज्य प्रधान प्रदीपसिंह जाडेजाए समग्र घटना पर खुलासो करता कहूं कि छूटा शकील गैंग साथ संकड़ायेला बे शख्स भाजपा नेता पर हुमलो करवा आव्या हता एक आरोपी पकड़ायो छे बीजानी शोधखोळ चालू अमदावाद में शार्प शूटर झड़पाया बाद स्थानिक पुलिस आवी हरकत में विनस होटल साथ अन्य होटल में हाथ धराव चेकिंग पीएसआईए तेमनी टीम साथ चेकिंग हाथ धरू राज्य में महसूल प्रक्रिया सरल करने मुख्यप्रधान विजय रूपाणी महत्व प्रजालक्षी निर्णय कर महसूल विभाग की जमीन तकरारी नोधनी सुनावी हम सीधी ज प्रांत अधिकारी कक्षाए थी शकशे मुख्यप्रधान विजय रूपाणी प्रांत कक्षाए सुनावी करने सैद्धांतिक मंजूरी आपी भाजपा प्रदेश प्रमुख पाटिल सौराष्ट्र प्रवास आज बीजो दिवस बीजा दिवसे जूनागढ़ में विविध बैठक करते स्वागत मुलाकात आयोजन है बपोर बाद पाटिल राजकोट जेतपुर खाते पहुंचे ज्यादा भव्य स्वागत होने लेबुआ पाटीदारों धार्मिक स्थान एवं खोडलधाम दर्शन करते यात्रा प्रथम दिवसे भाजपा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल पहुंचा जूनागढ़ वंथली में गांठीला खाते उमाधाम में उमिया माता कर दर्शन कड़वा पाटीदारों समाजना अग्रणियों साथे करी मुलाकात जूनागढ़ में भाजपा प्रमुख सी आर पाटिल स्वागत की तैयारी पाटिल की जूनागढ़ मुलाकात ने लेने बिस्मार रस्ताओं युद्ध धोरणे समारकाम करायो बे दिवस में तैयार थी गया रस्ता बनासकांठा जिला में 14 तालुका पंचायत तेमज जिला पंचायत प्रमुख उप्रमुख की चूंटणी बजेट जाहिर हजी वर्ष पूर्ण थता प्रमुख उप्रमुख की नवी चूंटणी योजाशे मोटा भागनी तालुका पंचायत में कांग्रेस अने भाजप वच्चे रसाकसी भर्यो जंग अगाउ पण भाजप कांग्रेस पासेथी कांकरेज अने लाखणी तालुका पंचायत छीनवी चूकी छे ज्यारे हवे 2.5 वर्षनी टर्म पूर्ण थता नवा प्रमुख उप्रमुख की चूंटणी छे सुरेन्द्रनगर लींबड़ी नगरपालिका कचेरी खाते पालिका प्रमुख की चेम्बर में हल्ला बोल वोर्ड नंबर एक और छ में वरसादी पानी भराय रहता नोंधाव्यो विरोध अनेक रजूआतों बाद पालिका द्वारा कोई पगला न लेवाता लोग में रोष कोरोना की स्थिति वच्चे सरकारे मास्क नाम शुरू करेला दंडात्मक कार्यवाही कांग्रेसे करो विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं कलेक्टर कचेरी सरकार विरुद्ध सूत्रोच्चार कर रोष ठालव्यो राजकोट मनपा की सामान्य सभा तोफानी बनी कोर्पोरेशन जनरल बोर्ड बाद तड़ाफड़ी बोली कोरोना की वत्ता मृत्यु आंक और खराब रस्ताओं पर चर्चा करने की कांग्रेसे मांग करता होबाड़ो मची गयो शासक और विपक्ष आया आमने सामने राजकोट सामान्य सभा में छापा कटिंग और बैनर साथ सभा में उग्र सूत्रोच्चार स्टेडिंग कमिटी चेरमेन शासक पक्ष अधिकारी बचाव में आया आक्षेप कर राजकोट कांग्रेस रस्ता पर उतरी आई छे दिल्ली की तबलीगी जमात की तपासों रेलो गुजरात सुधी लंबायो एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटे अंकलेश्वर रविद्रा गाम दरोड़ा पाड़ी तपास हाथ धरी दिल्ली मौलाना साद और रविद्रा गाम मौलाना साजी संबंधों ने पगले तपास थी जो कि मौलाना जाजी थोड़ा समय अगाउ कोरोना में मौत निपजू होवाना पगले ईडी टीम परत फरी ईडीए मौलाना मरण दाखिल मेलवा तजवीज हाथ धरी राजकोट मंदिर में दारू की महफिल केस में नवो खुलासो जमीन विवाद में मंदिर संचालन करता नितिन सोरठिया ने बदनाम करने
घटना ने उपजावी काढ़वामां आवी। त्रण जेटला शख्सोए मंदिर में प्रवेश करीने सीसीटीवी कैमरा में तोड़फोड़ करी, त्यारबाद दारूनी खाली बॉटलों त्यां मूकीने निकळ्या, जो कि अहीं दारूनी महफिल थई नहोती। अमदावादनी तपोवन सोसायटी सामेना मैदानमांथी मळ्यो मृतदेह, मैदान पर भरायेला पाणीमांथी मळ्यो पुरुषनो मृतदेह, आसपासना रहीशो ने दुर्गंध आवता करी हती पोलीसने जाण, शहर कोटरा पोलीसे तपास हाथ धरी। પોરબંદરના ટ્રિપલ મર્ડર કેસનો ભય દુકેલવામાં પોલીસને સફળતા મળી અને હત્યારાને ઝડપી લેવાયો। એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ સહકર્મીએ ત્રણેય વનકર્મીઓની હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો પોલીસ તપાસમાં થયો। થોડા દિવસ અગાઉ પોરબંદરના બરડા ડુંગરમાં હેતર રાઠોડ નામની મહિલા કર્મી સહિત ત્રણ વનકર્મીઓની હત્યા થઈ હતી। વડોદરાના વાડીમાં દુકાનદાર વિચિત્ર રીતે લૂંટાયો, માસ્ક અને કેપ પહેરીને આવેલા બે ગઠિયાઓએ દુકાનદારની નજરબંધી કરી અને શરીર પરથી સોનાની વીંટી અને ચેઇન ઉતારી લૂંટ કરી। વડોદરામાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સયાજીગંજ પર રહેતા શંકર ઉર્ફે રાહુલ નામના ઇસમની ધરપકડ કરી, આરોપી પાસેથી જપ્ત કરેલી દેશી બનાવટની બાઉઝર પિસ્તોલ અને વિદેશી દારૂની બોટલો મળી।